हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 02। और लेक्चर नंबर 02 में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। लेक्चर नंबर 01 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सीखे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए सीखे थे, ठीक, कि कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ता है? तो जो जनरल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, उसको ये करना पड़ता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ता है। क्या मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना पड़ता है। जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये ac x2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? सेकेंड स्टेप में ये करना पड़ता है कि जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से हमें फैक्टर करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये जो नंबर आया है, ठीक है, यहां तो अभी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला है रिजल्ट, वो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक से मैं बता देता हूं। क्या मैंने कहा कि मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करने पर हमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिजल्ट मिला था वो मिलना चाहिए सेकेंड। उसके बाद में उसको अगर एडिशन करें तो मिडिल टर्म मिलना चाहिए, और अगर यहां हमारे पास में जो रिजल्ट अगर माइनस में है तो अगर दोनों को हम वहां पे भी ऐड करेंगे तो साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा। अगर -2 और -5 करेंगे -7 होगा, ठीक है, रिजल्ट तो वही रहेगा, यानी कि एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या करना है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। आपको यह करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उससे जो रिजल्ट आए लिख लेना। उसके बाद में मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे हमें वो रिजल्ट मिले जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने प्रोडक्ट करके लेकर आए हैं, और उसको एडिशन करने पर हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, यही कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन मेथड का और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं 3। ठीक है, एग्जांपल 3 से समझाते हैं, देखिएगा जरा सा। एग्जांपल 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एग्जांपल 3 है, ठीक है, 2x² - 5x + 3 is equal to 0 by factorization method use करना है कि middle splitting हमें use करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए करना कैसे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए और जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखिए। तो 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, चलो करो, 2 3 6 +++, ठीक है, x² साथ में रहेगा या, ठीक है। अब हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है, ठीक है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए 6x² + 5, और जब उसको हम ऐड करें तो -5x मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2x² 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3x + 3 इज इक्वल टू 0। देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम दो रिजल्ट शो करता है, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग में दो रिजल्ट शो करता है। एक तो आपको ऐड भी करना है और उसको इस तरीके से मतलब ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वो रिजल्ट मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमने लेके आया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करके वो मिलना चाहिए।
यहाँ दो रोल ये निभाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस टू एक्स को माइनस थ्री एक्स के साथ में तो क्या मिल जाएगा ये हमें सिक्स एक्स स्क्वायर, बिल्कुल मिल जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस फाइव एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना पड़ता है कि इन दोनों के पास जो कॉमन है दो दो का जोड़ा लगाया जाता है। ठीक है, और इससे कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन दोनों पास में क्या है टू एक्स है, चलो मैंने ले लिया। ठीक है, देखो एक एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं और टू को ले चुके हैं, तो एक एक्स यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे हमने टू एक्स पूरा ले लिया तो माइनस वन बचा हुआ। ठीक है, अब इन दोनों पास में क्या कॉमन है, तो माइनस थ्री को अगर कॉमन ले लें तो ये सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, कॉमन लेने पे x माइनस वन आना चाहिए। अब चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं, टू एक्स को मल्टीप्लाई x से करेंगे टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टू एक्स को मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री को प्रोडक्ट करेंगे हम x के साथ में तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, माइनस थ्री और माइनस वन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस थ्री। ठीक है, यानी कि जो हमने फैक्टर किया है वो बिल्कुल सही है। अब जो बाहर में ये दोनों है इन दोनों को क्या करना है, एक साथ लिख लेना है, टू एक्स माइनस थ्री लिख लिया और एक्स माइनस वन इन दोनों में से एक कॉमन यानी कि लिखा जाता है। ठीक है, आगे में चलेंगे और रूट्स निकालते हैं, तो रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स पॉसिबल है, दो आ सकते हैं, क्यूबिकल में तीन, बाइक्वाड्रेटिक में चार आएंगे। ठीक है, चलिए तो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देखो ये इसके लिए भी जीरो है और ये इसके लिए भी जीरो है, अगर यहां टू होता तो दोनों के लिए वो टू रहता। ठीक है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस थ्री या राइट पे लेके जाएंगे प्लस थ्री, x इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई में है राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक रूट तो यहां से हमें पता चल गया, अनदर रूट हम निकालने जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस तो प्लस वन। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए तो अपना जो रिक्वायरमेंट रूट था वो आ चुका है। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर थ्री बाई टू कॉमा वन। ठीक है, ये आ गया, इसी में हम एग्जाम्पल फोर देखते हैं। एग्जाम्पल फोर में सैम यही कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल फोर है, एग्जाम्पल फोर में हमसे कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर करेंगे जिस तरीके से इसको हमने ब्रेक डाउन किया। अब देखिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं और लिखते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्या करना है, तो करना यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना है। देखो कुछ नहीं है तो यहां प्लस, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। ठीक है, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के साथ में तो माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब कहोगे यार कि यार मुझे ये बता दो कि ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर तो आ गया है, अब इस मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। ठीक है, इस मिडिल टर्म को क्या करना, ब्रेक करना है। ठीक है, तो फिर अब कैसे ब्रेक करूं, जरा सा सोचो यार, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर अगर माइनस थ्री एक्स लिख दे, सॉरी प्लस थ्री एक्स लिख दे और माइनस अगर फोर एक्स करेंगे, ठीक है, माइनस टू को हम कॉपी कर लेंगे। देखो जरा सा, जब हम प्लस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स के साथ में तो हमें क्या माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल रहा है हमें माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, यानी कि जो रिजल्ट हमने लेके आया था वो मिल गया। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन कैसा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन डिपेंड करेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान आपको रखना है।
अब देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चार में से तीन चला जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा माइनस एक्स, ठीक है, बीच वाला भी मिल गया, यानी कि अपना जो फैक्टर हुआ सही हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इस फोर को यहां भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने सजा के इसलिए लिखा है ताकि कॉमन लेने में हमें आसानियां हो, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ा बनाओ, इन दोनों को जोड़ा बना लो, इन दोनों पास में क्या है, दोनों के पास में तो 3x अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि इसके पास भी है 3 के टेबल में जो 6 आता है, ठीक है, तो 3 2 6x और पूरा ये बाहर ले लें तो 1 आ जाएगा। इन दोनों पास में क्या है, आप अगर ऐसा करते हो कि 2x कॉमन लेते हो तो इसके पास में x नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 2x कॉमन लेते हो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि इसके पास x नहीं है। कॉमन का मतलब यह है कि दोनों के पास में जो वेरिएबल और कोफिशियंट हम ले रहे हैं या कॉन्स्टेंट हम जो हम ले रहे हैं वो दोनों के पास में मौजूद होना चाहिए, या तो दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, ऐसा कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो माइनस अगर 2 ले रहे तो देखो जरा 2x 2 2 4 x आ जाएगा, और माइनस लिए बाहर तो यहां प्लस करना पड़ेगा आपको, 1 = 0। देखो जरा देखो आराम से, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। आप प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो कि जो हमने पॉइंट को कॉमन लिया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, जो बाहर है उसको एक साथ में ले लेते, इन दोनों में से एक लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना ये दोनों सिमिलर होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा, साइन कन्वेंशन भी सेम होगा और उसका जो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो 3x - 2 into 2x + 1 = 0, ठीक है। आगे बताओ, यहां तो कोई कंफ्यूजन, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, ठीक है। तो 3x = - तो प्लस 2 हो जाएगा, और x = 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, एक तो रूट्स आपको पता चल गया 2/3, अनदर पे चलते हैं। तो 2x = + तो -1, x = कितना -1/2, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो जो अपना रिक्वायर्ड रूट था वो आ चुका है, ठीक है, जो अपना रिक्वायर्ड रूट था वो आ चुका है। आगे में चलते हुए एग्जांपल 5 को लगाते हैं। एग्जांपल 5 में सेम कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल 5, एग्जांपल 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। 3x² - 2√6x + 2 = 0, ठीक है। यहां थोड़ा सोचना पड़ता है हमें ब्रेक करने के लिए, क्योंकि रूट आ गया है ना, तो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, कि कॉमन लेने पे भी आपको सोचना पड़ेगा और उसको स्प्लिट करने पे, उसको तोड़ने पे, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको। तो आइए जरा सोचते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2√6x + 2 = 0, ठीक, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्या करते हैं, तो हम यही करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करते हैं। चलो प्रोडक्ट करो, कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, 3 2 6 और x² है तो ये तो रहेगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब अपने को मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करना है और सोचना है, तो आइए जरा सा सोचते हैं, ठीक है। देखो कैसे सोचो, 2√6 का मतलब अगर हम ऐसा लिखने के लिए जाएं कि हम लिख सकते हैं कि √6x - √6x, देखना जरा सा, ठीक है। देखो कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, 1 और 1 को हम अगर ऐड करेंगे दोनों माइनस के साथ में आएगा, तभी तो प्लस मिलेगा यार, नहीं तो प्लस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। √6 दोनों पास कॉमन है, √6 दोनों पास कॉमन है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। चलो यहां तक तो हमने इसको तोड़ दिया,
अब देखो यार, अब क्या होगा, ध्यान देना जरा सा। अब कॉमन क्या लोगे ये जरा सा डिसाइड करो, कॉमन पॉइंट को डिसाइड करो। अब देखो यहां फिर फंस गए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाए इन दोनों को, ठीक है, जो जरा सा सोचो क्या करोगे, कुछ तो दिख नहीं रहा है कॉमन। अब बोलोगे एक्स कॉमन ले लो, ठीक है ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा और सोचो और कुछ दिखेगा, अगर हम √3x को कॉमन लें और ब्रैकेट में √3x कर दें, ठीक है, और √2 लिख दें, तो क्या ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, चेक करना है। पहले चेक कर देखो, √3 को मल्टीप्लाई √3 के साथ में करेंगे तो आपको पता होगा कि रूट में अगर सेम नंबर हो और उसका प्रोडक्ट किया जाता है तो रूट जो होता है वो इलिमिनेट हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो √3x इंटू √3x, ठीक है, कितना होता है 3x2, ठीक है, क्योंकि देखो रूट जो है वो x पे नहीं है, रूट जो है वो x पे नहीं है, ओनली 6 पे है, ठीक है। तो फिर अगर डिफरेंट रूट हो, अगर डिफरेंट रूट है आपके पास में, जैसे कि सपोज दैट यहां √2 है, अब इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि रूट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2x इसी तरह लिखो, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो √6x आ जाएगा, ठीक है। याद रहे, अगर रूट में सेम नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट जो होता है वो कैंसल हो जाता है, ठीक है, और अगर डिफरेंट नंबर है तो आपस में रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, सिमिलर करना है हमें, क्या करना है, अगर यहां पे हम √2 को कॉमन ले ले, देखो जरा सा √2 लेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां हमने फोकस किया, ठीक है। तो √3x − √2, फिर प्रोडक्ट करके चेक करो जरा सा। देखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3x के साथ में तो क्या मिल जाएगा, ये हमें √6x मिल जाएगा, और √2 √2 क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने जो इसको तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा, ठीक है। अब जो बाहर है उसको एक साथ √3x − √2 इनटू इन दोनों में से एक √3x − √2 = 0, ठीक है। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √3x − √2 = 0, √3x − √2 = 0, √3x = − तो +√2, ठीक है, और x = √2 / √3, ऐसे नहीं छोड़ना। अब देखो जब कभी भी अगर ऐसा हो यानी कि √a / √b हो तो इसको आप लिखोगे दोनों को रूट के अंदर में, √√a/b। सिमिलर हम इसको लिखेंगे x = √√2/3, ठीक है, √3x = − तो +√2, x = √2/√3, ठीक है, x = क्या हम लिखेंगे इसको √2/3, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपको निकालना होगा। तो आने की फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कॉमन पॉइंट पे ध्यान रखना है, और जो आप स्प्लिट कर रहे हो उस स्प्लिट को ध्यान रखना है जो आप तोड़ रहे हो, ठीक है। पहले इसे कॉपी किया जाए, उसके बाद में हम मूव करते हैं आप एक्सरसाइज के ऊपर। आइए आप एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² − 3x − 10 = 0, ठीक है। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पलर को सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे। बच्चों कभी भी जो है ना एग्जाम्पलर को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है।
अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स हो, तो उनका सारा जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है उसको आप सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना देकर एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया गया, और एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, रिलेटिव होता है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है एक्सरसाइज। तो कभी भी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल से शुरू करना है। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? तो करना यह है आपको कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट कर देना, कुछ नहीं है, वन मान लो, और वन को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10 के साथ में, तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर है साथ में, ठीक है। अब ये करना है हमें कि मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है। मिडिल टर्म क्या है? 3x है। क्या हम 3x को लिख सकते हैं? 5x, ठीक है, और माइनस 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, लेकिन याद रहे यहां माइनस लाना है, इसको माइनस करो इसको प्लस करो, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से हमें? माइनस 3x, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमने ब्रेक कर, अब जोड़ा लगाओ इन दोनों को, चलो लगाते हैं। इन दोनों के पास में कॉमन क्या है? एक्स ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते हैं। तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 12। इन दोनों पास कॉमन क्या है? 2 है, क्योंकि 2 1 2 2 5 10 होता है, ठीक है। प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो बाहर है उन दोनों को ब्रैकेट के बाहर उन दोनों को एक साथ ले लो, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस तो माइनस 2, ठीक है, एक रूट तो यहां से हमें पता चला। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, दो रूट यहाँ पता चल गया, और यही है हमें रिक्वायरमेंट का। तो लिख देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, इसमें लिख देते हैं, बाकी बार और जो क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख दीजिए। हेंस, ये लिखना जरूरी है, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स इज माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोशिश करो इसको ब्रेक डाउन करने का। तो क्या करना है? सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करना। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 12x², बीच का नंबर है आपका x है वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करना है कि इस x को इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करना है, फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है, कि मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस 12x² मिल जाए, और जब उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल का जो वैल्यू है वो मिल जाए, यानी कि एक्स मिल जाए। तो हम क्या इसको अगर ऐसा लिखे, क्या है प्लस है, तो क्या हम अगर 4x - 3x करें तो देखो, ठीक है, एक्स को हम लिख सकते हैं ना, जरा सा देखो, एक्स इज इक्वल टू 4x - 3x हम कर सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से? एक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा? 12x² मिल जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, 12x² मिल जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो कितना आया? -12x² आया। स्क्वायर
4x माइनस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने तोड़ दिया इसको। इन दोनों पास कॉमन है, हाँ है, क्या है, 2x है। देखो 2x अगर कॉमन लेंगे तो 2 की टेबल में देखो 4 भी आता है, इसके पास भी x है, तो हम अगर 2x कॉमन लेते तो यहां बचेगा क्या x, और यहां बचेगा ओनली 2, क्योंकि आपने x को कॉमन ले चुके। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां क्या बचेगा, तो केवल बचेगा 2, क्योंकि x हमने कॉमन ले चुके। जरा सा इन दोनों को देखो, माइनस के साथ अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 2 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0, हाँ या ना बताओ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मल्टीप्लाई करो ये नंबर आ जाए। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख लो, तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों के लिए है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, राइट पे शिफ्ट करोगे प्लस 3, x इज इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। एक रूट तो आपको यहां से मिल गया, ठीक है, एक रूट यहां से मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, राइट पे शिफ्ट करोगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट है, बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वो था, और ये भी तुम्हें से 5 स्टार दे। स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 दो भागों में जाएगा, फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले लिखो, सॉल्यूशन लिख दिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट और लास्ट को आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। तो करके दिखाते हैं, देखिए √2x² इंटू 5√2, देखो कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा, √2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, रूट कैंसल हो जाए, ठीक है, रूट कैंसल हो जाए। अच्छा रूट कैसे कैंसल होता है तो देख लो जरा सा यार, √2 है, ठीक है, √2 को हम लिख सकते हैं, रूट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है, ठीक है, ये आ गया हाफ, ठीक है। अनदर रूट, यानी कि अब देखो यहां से √2 × √2 कैसे कैंसल आउट होता है, एक रूट का वैल्यू कितना आ गया, हाफ इंटू हाफ, ठीक है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन होता है, ये आपने पढ़ा होगा नहीं, तो 2 कॉमन है दोनों के लिए, बेस सेम है, पावर का क्या होगा, एडिशन 1/2, ठीक है। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम देंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 बन गया 2, 2 बन गया 2, ठीक है, ऐड करो तो 2 का पावर कितना जाएगा, 2/2, और ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा 2 का पावर 1, ठीक है, जो बराबर होता है 2 के, यही यहां से है, ठीक है, तो क्या मिल गया यहां से हमें, 5 × 2 = 10x². अब जरा साइन कन्वेंशन देखिए, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, तो 10x² आ गया। 7 को तोड़ना है तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x अगर और प्लस कर दें 2x तो काम बन जाएगा, ठीक है, 5x और 2x को अगर हम लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, बराबर है दोनों, ठीक है, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x सजा के लिख रहे हैं, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉमन लो, जरा कॉमन लो और देखो यार क्या आएगा, अगर हम ऐसा करें कि √2 को कॉमन ले लें, √2 और x साथ में ले लो, ठीक है, x को साथ में लेना, ठीक साथ में ले, कॉमन ले लिया, √2 को ले चुके हैं, x मिल जाएगा प्लस
हमें चाहिए रूट टू एक्स को कॉमन लिए, तो देखो यहां से तो एक्स बाहर आ चुका है, सिर्फ बचा टू, इसको रूट में लगा दो। अब प्रोडक्ट करो, रूट टू को मल्टीप्लाई रूट टू के साथ करेंगे तो एक्स रहेगा, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे तो फाइव को कॉमन ले लो, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। देखो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको स्टेप दिखाया जाए। जो रूट के बाहर उसके एक साथ में लिखो, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव को एक साथ में ले लिया और ये दोनों कॉमन है, तो एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस है राइट पे शिफ्ट, सॉरी प्लस है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे माइनस फाइव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। एक तो यहां से हमें पता चल गया, ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस में है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस रूट टू आ जाएगा, ठीक है। अनदर रूट हमें यहां से, एक पार्ट और यहां पे आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं, नहीं आएगा तो मिटा दिया जाएगा, फिर कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो। अगर कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में वन मान, ठीक है, इसके डी नोमिनेटर में कितना मान लोगे, वन मान लोगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो। तो एलसीएम ले लेते हैं, इसके डी नोमिनेटर में वन मान लिया, एलसीएम लेंगे एट आया, वन के टेबल में एट कितनी बार में, आठ बार, एट को मल्टीप्लाई टू से करोगे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई में है राइट में शिफ्ट करेंगे तो अपोजिट होगा, यानी कि सॉरी डिवाइड में है, मल्टी सॉरी डिवाइड में है, अगर इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करते हैं तो वो उसको जीरो बना देता है, कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। पहले यहां तक कॉपी करो, क्या दिया जाए, अब देखिए इसको फैक्टर कर, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करोगे कितना मिलेगा, 16x². अब अपने को तोड़ना है माइनस 8x को, ठीक है, तो क्या हम इसको अगर करें माइनस 4x, माइनस 4x हम बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 16 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कॉमन क्या है जरा सा देखो, 4x को कॉमन ले लें, 4x लेंगे तो यहाँ 4x मिल जाएगा और माइनस 1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस हम बाहर ले लें वन, कुछ नहीं तो वन ले सकते हैं, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लो सबसे पहले, फोर एक्स माइनस वन, आप चाहे तो पहले इन दोनों को लिख रहे कोई बात नहीं, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, फोर
4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू, देखो माइनस है, अगर राइट पे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, देखो मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट होगा डिवाइड में आ जाएगा, एक रूट यहां से पता चलेगा। सिमिलर 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन और है उसको हम लगा लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 100x स्क्वायर, तोड़ना है माइनस 20x को, क्या हम लिख सकते हैं माइनस 10x, माइनस 10x। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 100x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 20x आ जाएगा, ठीक है। 100x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमन लो, जोड़ो बना के, कॉमन लोगे तो 10x को कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा 10x बचेगा, यहाँ पे माइनस 1, माइनस 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना, कुछ नहीं तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे 1 छूट गया था, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू, माइनस 1 है राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा, एक रूट तो यहां से पता चल गया है, ठीक है। सिमिलर करेंगे 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10, ठीक। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, या तो आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, कॉपी किया जाए।